सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो उत्तराखंड के डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में। तो बच्चों के अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन एंड डाउट आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि उसमें जो एडमिशन होने वाला है वो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और हमने CUT दिया है या देना है, या किस तरीके से हमारा जो उसमें एडमिशन का प्रोसेस होगा उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है डाउट तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि डीएवी पीजी देहरादून में फिलहाल कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और कैसे आपने जो पीजी का जो एडमिशन है उसके प्रोसेस में जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए। और किसी को डायरेक्ट कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी कॉल अरेंज कर देंगे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि काफ़ी लंबे समय से जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है उसमें एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो वहाँ की जो एफिलेशन है वो रद्द कर दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जितनी भी ये यूनिवर्सिटी है ये एफिलेटेड थी HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों के मन में ये डाउट है कि मैम HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में के लिए तो सारे कोर्सेज के लिए हमें CUT देना पड़ रहा है और एक UET नाम का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो डीएवी कॉलेज में हमें किस एग्ज़ाम को देना है, या डीएवी कॉलेज अपना खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी, एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है ना, वो आज भी यानी कि 2024 की डेट में भी उत्तराखंड की हेमवती नंदन भोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है। ये जानकारी आप अगर जब उनका पेज खोलते हैं ना, डीवी पीजी कॉलेज देहरादून का, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे, उनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो उसमें साफ साफ ऊपर से लिखा हुआ है एफिलेटेड फ्रॉम HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी की जो एफिलेशन है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ साथ जो डीवी पीजी कॉलेज है ना देहरादून, वो अपने कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी चला रहा है। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज वो कौन कौन से चला रहा है और उन सारे जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो है ना उनका एफिलेशन HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से नहीं है, उनका एफिलेशन जो है वो उत्तराखंड की जो टिहरी में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है ना वहाँ से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वाले एफिलेशन में जो कोर्सेज करेंगे उनको वहाँ से मिलेगी एफिलेशन की डिग्री, और जो बच्चे HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज जो लिस्ट है वहाँ से करेंगे उनकी जो डिग्री होगी वो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से होगी। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो डीएवी पीजी कॉलेज है उनका दो एफिलेशन है, एक सेल्फ फाइनेंस का और एक है जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उनका चल ही रहा है। तो पहले मैं सेल्फ फाइनेंस का आपको बता देती हूँ और सामने भी यहाँ पर लिस्ट में भी लगा दूंगी। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो 3 साल का उनका ये कोर्स है उसके लिए है 2024 और 2025 के लिए। दूसरा कोर्स उनका 1 वर्ष का जो बीलिव का कोर्स है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और तीसरा है उनका MSc इन बायोकेमिस्ट्री और मास्टर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और मास्टर ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 4 कोर्सेज जो है उन्होंने बताए हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और आपके श्रीदेव सुमन से एफिलेटेड है। तो इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो डिग्री मिलेगी वो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी और इसका प्रोसेस यही है। ठीक है, अब इसके प्रोसेस में अगर आपने जाना है तो उनका जो वेबसाइट है ना उसको विजिट करके वहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस में आपको जाना है। दूसरा ये है कि इसके अलावा और कौन सा जो है आपको CUT देना है या क्या देना है। देखिए, जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने, आपको पता है कि PG कोर्सेज के लिए UET नाम का एग्ज़ाम निकाला है ना, उत्तराखंड एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, जिसके कि फॉर्म वगैरह आजकल भरे जा रहे हैं, तो उसको निकाला है उन्होंने और उसको बोला है कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज में आपने एक अलग से एग्ज़ाम देना है UET। तो देखिए, जो डीएवी पीजी कॉलेज है ना देहरादून, उसने बोला है कि जैसे जो MA के जितने भी कोर्सेज है या MCOM या MSc वगैरह या आपने LLM वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ों के लिए आपको यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया है कि 2 एफिलेशन हैं। अगर आपने उन 4 जो कोर्सेज बताए हैं उनको छोड़ के जितने भी सारे कोर्सेज जो आते हैं वो HNV में कवर होते हैं, और उसके लिए आपको डीवी पीजी कॉलेज की बार बार वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं पे आपको पता चल पाएगा कि आपने एडमिशन किस तरीके से हो रहा है। बाकी HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी PG कोर्सेज के लिए UET नाम का एग्ज़ाम करवा रही है, उसके फॉर्म आई होप कि सारे बच्चों ने भर दिए होंगे, कोई चुपचाप शांति से बैठा नहीं होगा, नहीं तो बाद में बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हमारा तो पेपर छूट गया, हमें तो पता ही नहीं चला फॉर्म कब आए। तो देखो, फॉर्म जो उत्तराखंड के जितनी भी
यूनिवर्सिटी है उनकी जानकारी तो मैं दे देती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो जिन बच्चों का यूईटी का एक एग्ज़ाम है ना, उसकी जो डेट है वो 10 जून तक बढ़ा दी है, तो अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है बच्चों। बाकी आपको पता ही है कि बीएड बीपीएड वगैरह के लिए भी एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने सेपरेट अपना बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था, उसका इस बार सीयूटी से नहीं हुआ था। तो दो चीज़ें हमें समझ में आ गई है कि जो मास्टर्स जो प्रोग्राम जिन बच्चों ने लेना है एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटीज़ एफिलेटेड के लिए, वो यूईटी नाम का एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे जिसकी की डेट है वो 10 जून तक, ठीक है। जो भी बच्चे मास्टर्स के किसी भी मास्टर में लेना चाहते हैं, और जिन्होंने बीएड बीपीएड वगैरह करना है तो भाई उनके फॉर्म तो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो मेरे ख्याल से 1 या 2 जून तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो यही थी बाकी बच्चों अपडेट। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। सत्यम जयते, धन्यवाद।